आई एम डॉक्टर सुफियान अहमद, एचओडी ऑफ फार्माकोग्नोसी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो प्लांट हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, इसमें हम प्लांट की ब्रीडिंग करते हैं। इसमें प्लांट की दो डिफरेंट वैरायटीज़ को लिया जाता है या फिर दो डिफरेंट स्पीसीज़ को लिया जाता है, और इसके बाद इन दोनों में क्रॉसिंग कराई जाती है। क्रॉसिंग कराने के बाद जो प्लांट डेवलप होता है, इसमें डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होती है जो कि दो डिफरेंट वैरायटीज़ या दो डिफरेंट स्पीसीज़ में प्रेजेंट होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं, एक प्लांट लेते हैं जिसमें डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होती है, और दूसरे प्लांट जिसमें वो डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट नहीं होती। ये दोनों यानी डिज़ायरेबल एंड नॉन डिज़ायरेबल वैरायटीज़ की क्रॉसिंग कराई जाती है। क्रॉसिंग कराने के बाद जो प्लांट डेवलप होता है, इसके बाद दोनों दो प्लांट में जो डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक है वो प्रेजेंट होती है। इसी को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इट कैन बी सिंपली डिफाइन एज इट इज़ अ मैटिंग और क्रॉसिंग ऑफ टू जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट हैविंग द डिजायर्ड जीन और जीनोटाइप एंड ब्रिंगिंग देम टुगेदर इन टू वन इंडिविजुअल कॉल्ड हाइब्रिड, एंड द प्रोसेस थ्रू विच हाइब्रिड आर प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, और इट इज़ अ नेचुरली और आर्टिफिशियली प्रोसेस दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड एंड हाइब्रिड प्लांट रिजल्ट फ्रॉम क्रॉसिंग ऑफ टू स्पीसीज और वराइटीज डिफरिंग एट लीस्ट इन वन सेट ऑफ कैरेक्टर्स दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्यों किया जाता है और उसका पर्पस और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसे हम क्यों यूज़ करते हैं। इसको हम यूज़ करते हैं क्रॉप की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, और अगर हम मेडिसिनल प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन होता है उसको इनक्रीज़ करने के लिए या फिर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक को इम्प्रूव करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है। और सिंपली यू कैन से द डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव वराइटीज़ एंड रिमूवल ऑफ द बॉटलनेक जीन्स एंड डेवलपमेंट ऑफ हेटरियोटिक F1 हाइब्रिड इन दैट द कॉम्बिनेशन ब्रीडिंग एंड ट्रांसग्रेसिव ब्रीडिंग। जनरल टेक्निक ऑफ आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसमें हाइब्रिड प्लांट को डेवलप किया जाता है। तो इस सबसे पहली इसकी सबसे पहली स्टेप जो है चॉइस ऑफ पेरेंट प्लांट, और यू कैन से सिलेक्शन ऑफ पेरेंट प्लांट मींस यानी दो डिफरेंट स्पीसीज या दो डिफरेंट वैरायटीज जिसकी क्रॉसिंग करनी है, इसको हमें किस तरह सेलेक्ट करना होता है। अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिड प्लांट में हमें क्या कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करना है, इसके अकॉर्डिंग हम दो डिफरेंट स्पीसीज सिलेक्ट करते हैं। इसमें हम दो प्लांट सिलेक्ट करते हैं, प्लांट ए और प्लांट बी। प्लांट ए जो होता है वो पुअर यील्ड और डिसीज़ रेजिस्टेंस इसके अंदर जो है ये डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक भी, और प्लांट बी हायर यील्ड ये जो है डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक भी, और उसका जो है डिसीज़ सक्सेसटेबल प्लांट एंड इसकी जो क्वालिटी है वो हाई यील्ड है। इसमें हमें ऐसा प्लांट डेवलप करना है जो डिसीज़ रेजिस्टेंस और जिसकी यील्ड ज़्यादा हो। इसके लिए दोनों प्लांट की क्रॉसिंग कराई जाती है। इसके बाद जो प्लांट डेवलप होगा वो हाई यील्ड भी और डिसीज़ रेजिस्टेंस भी होगा, यानी दोनों प्लांट में जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स वो हाइब्रिड प्लांट में प्रेजेंट होगा। इसमें दोनों कैरेक्टर्स कंबाइन हो जाएंगे, इसमें एक प्लांट को मेल और दूसरे को फीमेल सिलेक्ट करते हैं।
प्लांट ए को हम मेल पेरेंट सेलेक्ट करते हैं, इसका मतलब प्लांट के जो फ्लावर हैं इस फ्लावर में जो प्रेजेंट स्टैमिन है, स्टैमिन के जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसके एंथर में पॉलन ग्रेन जो के मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है उसको यूज़ किया जाता है। एंड प्लांट बी को फीमेल एज अ फीमेल पेरेंट सेलेक्ट करते हैं, यानी इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को यूज़ किया जाता है। फीमेल इस प्लांट में जो फ्लावर प्रेजेंट होता है, इस फ्लावर में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है यानी कार्पेल प्रेजेंट होता है इसको यूज़ किया जाता है। सेकंड स्टेप इमैस्कुलेशन, इसमें क्या होता है, इसमें हम फीमेल प्लांट यूज़ किए जाते हैं, वो फीमेल पेरेंट प्लांट के फ्लावर अगर बायसेक्सुअल हैं यानी इसमें दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट हैं, मेल मींस एंथर और फीमेल मींस कार्पेल प्रेजेंट हैं, तो इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और कार्पेल को रिमूव किया जाता है, इसी को हम इमैस्कुलेशन कहते हैं। क्योंकि प्लांट का हम ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यूज़ करना होता है एंड इमैस्कुलेशन प्रोसेस इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर द बायसेक्सुअल प्लांट टू प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन। एंड थर्ड इसको जो है एंड इमैस्कुलेशन प्रोसेस, देयर आर द वेरियस टेक्निक ऑफ इमैस्कुलेशन इन दैट हैंड इमैस्कुलेशन एंड सेकंड सक्शन मेथड। इसके अंदर फ्लावर्स जो है वो बहुत छोटा होता है एंड नॉट बहुत छोटा होता है, इसके पेटल्स को रिमूव करना आसानी से नहीं होता, इसके लिए फोर्सेप का इस्तेमाल करते हैं और एंथर एंड स्टिग्मा एंड द थिन ट्यूब और ग्लास ट्यूब अटैच टू द सक्शन होज इज़ यूज टू सक द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द इट्स सरफेस। और हॉट वाटर इमैस्कुलेशन, इसके अंदर जो है प्लांट का जो है पॉलिंग ग्रेन को जो है वो हॉट वाटर के अंदर सेंसिटिव होता है, इसके लिए उसके ऑर्गन को हॉट वाटर के अंदर डाल देते हैं जिसकी वजह से उसके अंदर के स्टामिन जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। और अल्कोहल ट्रीटमेंट, इसके अंदर इट इज़ नॉट वेरी पॉपुलर मेथड बिकॉज ऑफ दैट द पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इज़ यूज फॉर द फिक्स टाइम पीरियड टू किल द पॉलन ग्रेन but little bit more exposure the few second more than the recommended time period will reduce the female reproductive that is seed set and cold treatment like hot water jaise hot water use karte hain waise hi cold water bhi use karte hain cold treatment bhi use kiya jata hai aur genetic emasculation third step bagging and tagging। बैगिंग क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है, इस प्लांट के फ्लावर में ओनली फीमेल पार्ट प्रेजेंट होता है, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड इमैस्कुलेटेड फ्लावर। इस फ्लावर को हम एक बैग से कवर करते हैं, ये बैग जो होता है वेजिटेबल पार्चमेंट बैग और बटर पेपर या तो फिर फाइन क्लॉथ का होता है, इस बैग को प्रॉपरली थ्रेड से बांध देते हैं, इसी को बैगिंग कहते हैं। वाई वी परफॉर्म दिस स्टेप टू प्रिवेंट दिस इमैस्कुलेटेड फ्लावर टू डिज़ायरेबल पॉलिनेशन। टैगिंग क्या होता है, इसमें लिखा जाता है इसकी फ्लावर्स की इमैस्कुलेटेड डेट क्या है, दोनों वराइटीज
और दोनों प्लांट का नाम लिखा जाता है, इसी को टैगिंग कहते हैं। नाउ द फोर्थ स्टेप, पॉलिनेशन, आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन, यानी प्लांट ए के मेल फ्लावर को लिया जाता है, फ्लावर लेने से पहले उसको भी बैगिंग कर दी जाती है और मेल पेरेंट का जो फ्लावर है इसमें प्रेजेंट जो स्टैमिन होता है जिसमें एंथर प्रेजेंट होता है, वो एंथर में जो पॉलिन ग्रेन होता है जब ये मैच्योर होता है तो इसके बाद ये ब्रस्ट हो जाता है, ये पॉलिन बैग में कलेक्ट हो जाते हैं। इसी पॉलिन ग्रेन को यूज़ किया जाता है फॉर आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। और ये जो फीमेल पेरेंट प्लांट है इसके स्टिग्मा में मेल पॉलिन प्लेस करते कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रश और फोरसेप, और ये पॉलिन स्टाइल के थ्रू ओवरी तक जाता है, इसी में फर्टिलाइजेशन होता है। इसके बाद प्लांट में फ्रूट डेवलप होता है और ये जो मैच्योर सीड को हार्वेस्ट किया जाता है उसको स्टोर करके रखा जाता है, और ये सीड जिसको हम स्टोर करके रखे हैं इसको प्रॉपर टाइम और सीज़न में ग्रो कराया जाता है सॉइल के अंदर, और इस सीड से जो प्लांट डेवलप होगा उसकी टेस्टिंग की जाती है, इसमें चेक करते हैं कि डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक है या नहीं, यानी कि प्लांट ए और प्लांट बी जो हमने लिया था तो प्लांट ए और प्लांट बी इसके अंदर डिसीज़ रेजिस्टेंस और हाई यील्ड है या नहीं। नाउ सी एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन टू इम्प्रूव यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ क्रॉप प्रोडक्टिव वैरायटी ऑफ द मेडिसिनल प्लांट, यानी मेडिसिनल प्लांट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी यील्ड बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। टू प्रोवाइड द रेजिस्टेंस टू डिसीज एंड इंसेक्ट एंड सीडलेस वैरायटी ऑफ क्रॉप, इम्प्रूव द फ्रूट साइज एंड स्टोरेज कैपेबिलिटी ऑफ द प्लांट। नाउ सी द ग्रीन हाउस इफेक्ट, द नॉर्मल कंडीशन द सन रेज रीच द अर्थ एंड हीट is radiated back into the space. However, when the carbon dioxide concentration increase in the atmosphere, it form a thick cover and prevent the heat from being radiated. Consequently, the atmosphere get heated and temperature increases. This is called greenhouse effect. In the recent past, amount of carbon dioxide increased from 290 ppm to 330 ppm due to cutting the forest and excessive burning of fossil fuel. यानी इसके अंदर कार्बन सराउंडिंग के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा क्यों हुई, बिकॉज ऑफ दैट वी आर कटिंग द फॉरेस्ट एंड एक्सेसिव बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल, द रेट एट विच द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफियर इज इंक्रीजिंग, इट एक्सपेक्टेड टू काउज rise, the global temperature is increases and the global warming by the 2 or 3 degree would cause the polar ice cap to melt the float and coastal area, the change in the hydrologic cycle and the Iceland would get submerged. The following gases produce the greenhouse effect like the carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen, chlorofluorocarbon, etc. Thank you for watching my video. This is my more video and you can search by my channel Sufipharm Dr. Sufyan Ahmed. Thank you for watching my video. Please subscribe, like and share and press the bell like button. Never miss you an update. Thank you.